mm <clears throat> ऑडियो क्लियर है वेलकम, वेलकम। <laughs> सबसे सीधा और अच्छा बच्चा हाँ मतलब मैं है ना मैं आ गया ना बेटा सही कह रहा तू अच्छा और सीधा बच्चा मैं ही क्लास का यस वेलकम बेटा स्टार्ट करते हैं मनीष ओके गुड इवनिंग बेटा ओके ठीक है चलिए शुरू करते हैं आइए तो शायद करते हैं अपनी क्लास को बाकी बच्चे ज्वाइन करते रहेंगे हम कंटिन्यू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने होल्डिंग कंपनी कंपनी और और सब्सिडरी वाला पार्ट पार्ट पढ़ लिया था और उसी पार्ट को करेंगे कंटिन्यू तो जवाब तो बेटा इस पार्ट में में क्लियर थी हमारे पास आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ सकते सकते हैं हैं डेफिनेटली तो अब नंबर आता है सुनना है चालू वर्ड इज

यहां पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है एटलीस्ट एटलीस्ट हैविंग हैविंग एटलीस्ट ऑफ वोटिंग वोटिंग सर राइट का सिंपल सा मतलब अगर मान लो शेयर होल्डिंग भी है तो शेयर होल्डर का वोटिंग राइट होता है नहीं होता है, बताओ मुझे अगर कोई पर्सन किसी कंपनी का शेयर होल्डर है बताओ मुझे तो क्या उसके पास में वोटिंग राइट होगा नहीं होगा होगा सर तो कहने का मतलब आई एम राइटिंग दी वर्ड 20 परसेंट वोटिंग राइट सिंपली 20 मीन ट्वेंटी एटलीस्ट कम से कम अगर 20 परसेंट कम से कम अगर 20 परसेंट शेयर होल्डिंग वोटिंग राइट है दूसरी कंपनी के अंदर तो वो कंपनी दूसरी कंपनी क्या कहलाएगी बेटा उसे बोलेंगे एसोसिएट कंपनी द वर्ड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब पे क्लियरली मेंशन कर दिया कि कम से कम 20 परसेंट ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी अगर किसी कंपनी के पास में है तो दैट विल बी एज क्या बोलेंगे एसोसिएट कंपनी और आजकल इसी को एक नाम और दे दिया गया बोला क्या बोलते हैं वेंचर क्या बोलते हैं इसको याद रखना सर समझा के बताओ और चलो भैया देखो ध्यान से। राइटिंग किसे कहा जाता है सुनो 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 तो एग्जाम्पल तो हमने रीडिंग तो कर लिया अब मैंने बोला यहां एक कंपनी है और यहां दूसरी कंपनी है ठीक है इस कंपनी का नाम है बेटा अल्फा अल्फा

पच्चीस परसेंट उस कंपनी का बीटा की टोटल शेयर कैपिटल उसके अंदर ट्वेंटी होल्डिंग लिया हुआ है आजकल तो बड़ा ट्रेंडिंग हो रखा है भाई साहब वो था इंडिया है ना सुनते ना शार्क टैंक टैंक देख रहे हो ना तो नॉर्मली जितनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना, कर रहे हैं के के अंदर। तो अगर सुनना जान से अगर उनकी कंपनी किसी दूसरी कंपनीज के अंदर 20 परसेंट या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट इक्विटी लेती है उसका शेयर होल्डिंग लेती है तो याद रखना बेटा वो कंपनी जिनका 20 परसेंट कम से कम एटलीस्टेंटी परसेंट अगर होता है मैंने 25 लिखा है मतलब 20 से ऊपर ही हुआ ना तो एटलीस्ट कितना ट्वेंटी अगर वोटिंग है उसके अंदर तो बेटा ये एल्फा कंपनी बीटा की क्या कहलाएगी इसे बोलेंगे एसोसिएट कंपनी बोलो क्लियर हुआ इसे कहेंगे एसोसिएट कंपनी बोलो याद रहेगा कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एसोसिएट कंपनी हम साथ मिलकर काम करेंगे अलग, अलग अलग नहीं हम साथ मिलकर काम करेंगे आई एम नॉट योर होल्डिंग होल्डिंग या holding नहीं है भैया इन्वेस्टमेंट किया है तो इसीलिए एक नया नाम निकल के आया नया नाम दिया गया इसको कि जो कंपनी इन्वेस्ट करती है उसे बोलते हैं वेंचुरर क्या बोलते हैं वेंचरर आज का ट्रेंडिंग नेम है वेंचर द वेंचर वर्ड मींस इन्वेस्टमेंट करना रिमेंबर क्लियर हो गया हां जी यस कंपनी का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्या सर उसके वो क्वेश्चन पूछते हैं आराध्या बेटा नॉर्मली फाउंडेशन लेवल के ऊपर इन कॉरपोरेशन कंपनी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन ही आता है लेकिन फॉर द सेक ऑफ इंटर अगर हम इंटरमीडिएट की बात करेंगे तो वहां पर सेग्रीगेटली क्वेश्चन पूछते हैं आपसे इन कॉर्पोन के अंदर लेकिन आपके फाउंडेशन लेवल तक वो पूछेगा तो स्टेप्स पूछेगा आपसे ठीक है चले ओके आगे आते हैं डन है गाइस विराट क्लियर है ओके नेक्स्ट पे आते हैं तो ये था हमारा आसुष्ट कंपनी नेक्स्ट पे आता है फटाफट रिवाइज करते हैं भाई साहब आओ द नेक्स्ट इज कॉल

बता देता हूँ कौन सा नाम 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 आया किसका? तेरा लिया लिया? क्या नाम लिया? Word क्या है? लाइब्रिटी के बेसिस को डिवाइड किया गया ये पार्ट में कम से कम तीन बार रिकॉल कर चुका हूं तो आई थिंक होप सो कि सबको क्लैरिटीज के ऊपर पहले से है तो एक है लिमिटेड में है लाइब्रेटी में है कंपनीज लिमिटेड लिमिटेड कंपनी दूसरा है कंपनी कौन सी अनलिमिटेड कंपनी ये जो अक्सर वर्ड देखते हो ना अनलिमिटेड अनलिमिटेड इसका मतलब यही होता है भाई साहब पर्सनल लाइबिलिटी जो मेंबर होंगे कंपनी के यस yes, क्लियर है सबने कहा क्लियर है क्लियर समझ में आ रखा है okay. ओके हाँ कौशल कह रहा है सर मेरे कॉलेज के एग्जाम में इन ऑफ कंपनी आया था तो इसका माना चिपका के आ गया तो आंसर डैम श्योर हाँ अनमोल बेटा स्पेसिफिक आपको फाउंडेशन लेवल पे ऊपर फाउंडेशन के अंदर सेक्शन रिक्वायरमेंट नहीं है बट इंटर वाले पार्ट में आपको हर एक पार्ट पे सेक्शन लिखवाऊंगा वहां पर याद करवाऊंगा आप लोगों को ठीक है यहां पर जो स्पेसिफिक सेक्शन लिखता हूं उसी को याद रखो खाली जो टॉपिक इंपोर्टेंट लिखते हैं उसी को याद कीजिए नोट नहीं कर रहे उनकी रिक्वायमेंट नहीं है ठीक है हाँ, चलो यस आराध्या वेरी गुड याद हो गया करेक्ट <laughs> है देखो इसका मतलब भैया तुम्हें आता है फिर भी नॉर्मली रिपीट कर रहा हूं भाई लिमिटेड मतलब क्या दो पार्ट है स्किल कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और दूसरा क्या पढ़ा था हम लोगों ने लिमिटेड बाय गारंटी

अगर मेंबर ने शेयर परचेज किए किसी कंपनी के तो सिक्योरिटी दी उसमें जो भी अनपेड अमाउंट है उस तक लाइबिलिटी है ये हम पर इस पे हमने रिलायंस वाला एग्जांपल लिया था दूसरा गारंटी का मतलब क्या गाईज? अगर मेंबर ने क्या किया था सर कोई फिक्स अमाउंट कोई फिक्स अमाउंट देने की गारंटी की थी याद आया हाँ, हमें याद है तो फिक्स अमाउंट गारंटी मतलब नॉर्मल हमने एक्साम्पल भी लिया था कि लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी कौन सी होती है बच्चे पढ़ते रहते हैं पता ही नहीं कौन सा पढ़ रहे है लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब भाई साहब ये जो तो मंदिर वगैरह देखते हो ना इसको टेपल अमृतसर गुरुद्वारा ये क्या है साउथ के टेम्पल्स कौन है हाँ जी रोशनी बाबा जी को प्रणाम प्रणाम बेटा प्रणाम वेलकम कंटिन्यू करो तो ये कौन है इन्हें लिमिटेड बाय गारंटी कहते हैं खासकर जो एनजीओ वगैरह सुनते द सेक्शन सेक्शन कंपनीज गाइस कंपनी आपकी लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी होती है जहां पर क्या होता है दो रूल आते हैं पहली बात तो कि ये इन कंपनीज में जो मेंबर होंगे उन मेंबर की लाइब्रेटी कब होगी भाई जो उनकी फिक्स अमाउंट है मतलब एग्जाम्पल के लिए या तो उनको पे करना पड़ेगा जब कंपनी बंद हो जाएगी टाइम ऑफ वाइंडिंग अपन ईयर एक साल के अंदर एक ही प्रोविजन पढ़ाया जाता है, winding, हमने दोनों पढ़ हैं। तो पहला पढ़ रखे कंपनी बंद होगी तो गारंटीड अमाउंट पे करनी पड़ती है नंबर टू कंपनी के अंदर किसी मेंबरशिप एक्सपायर कर दी जाएगी तो उसके अंदर, -अंदर पेमेंट देना पड़ेगा बोलिए

तो अभी में डिटेल में नहीं पड़ा खाली ओवरव्यू दिया मैंने इसका आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया क्लियर हो गया तो यही बात यहाँ पर थी कि कि को किया गया, के call, किसे कहते हैं, हैं, हैं। तो बाई होगी अगर है तो बता दो भाई सब है तो हां दो बीवी आठ बच्चे लाइक क्वेश्चन <laughs> बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को हंस रहे मतलब हद यहां पे भैया मार खाने की ना होता है हंसी आ रही है बताओ आगे बढ़े डन गाई चलो आगे आते हैं तो ये हमारा रिवाइज हो चुका है ये वाला पार्ट हमारा हो गया इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आओ अगला पार्ट पता है आपके हालांकि इसका मीनिंग पूछता नहीं है लेकिन फाउंडेशन के एग्जाम में एक एग्जाम में एक पेपर में डेफिनेशन पूछ ली भाई सब पता है एक आपके पास पूछ ली कि भैया स्मॉल कंपनी किसे कहते हैं और एक पूछ लिया था फॉरन कंपनी किसे कहते ऐसे ऐसे मीनिंग पूछे थे सिंपल सी बात आराध्य सात से सात बचने लाए गई सुना गाइज से तो सिंपल सा फंडा साइज फॉरन कंपनी किसे कहा जाता है सिंपल सी बात भाई ऐसी कंपनी जो कंपनी था लेकिन जिसका इन कॉरपोरेशन कहा हुआ इंडिया में नहीं हुआ आउटसाइड इंडिया हुआ अब सोच के देखो आई एम गिविंग एग्जाम्पल हालांकि इसके ऊपर डिटेल में पढ़ाऊंगा इंटर वाले पार्ट में इंटर इंटर वाले पार्ट में पढ़ाऊंगा अभी सुन लो खाली अभी पॉइंट से गाइज नॉर्मली हम जानते हैं इंडिया में बड़ी से बड़ी कंपनी एग्जाम्पल जो एम खुली हुई है कोई यूएस के कोई जर्मनी के है, है ना कंपनीज है ना काम कर रही है इंडिया के अंदर मैकडोनल्ड पिज्जा हट हाँ, है कंपनीज भाई तो एक्चुअली इन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कॉरपोरेशन कहाँ पे हुआ कहाँ पे हुआ अब में हुआ भाई उनका इन इंडिया में तो हुआ नहीं बट लेकिन क्या आप लोग जानते हो जैसे बीएमडब्ल्यू किया गाड़ी है ना कंपनी है ना ये है तो फॉरेन कंट्री की बट इंडिया के अंदर इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा किस नाम से पता है बीएमडब्ल्यू इंडिया लिमिटेड जो इंडिया में आता है आप बीएमडब्ल्यू है मर्सिडीज सीटी ये इन कंपनीज ने डायरेक्टली यहां पर नहीं आई कि ओके okay, इन्होंने अलग से इंडिया में एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन अलग से करवाया तो नाम लगाया साथ में बी इंडिया लिमिटेड किया इंडिया लिमिटेड तो कहने का मतलब है ये रीजन तो पढ़ाऊंगा आपको मैं इंटर वाले पार्ट में अभी सुन लो खाली पॉइंट से कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन कंपनी गाइस तो फॉरेन कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन कहां हुआ दूर देश में हुआ कहां पर आउटसाइड इंडिया जिस कंट्री से बिलोंग करते वहां पर उनका इनकॉर्पोरेशन हुआ लेकिन उनका इंडिया के अंदर एक प्लेस है इंडिया में एक प्लेस है प्लेस के अंदर कौन हो सकता है कौन सा फिजिकल प्लेस अब जब मैंने एग्जाम्पल नाम दिया वो कौन सा प्लेस है फिजिकल प्लेस प्लेस या फिर इलेक्ट्रॉनिक बताओ ना बताना मुझे अमेजोन, अमेजोन, क्या कंपनी है भाई साहब फो, कंपनी क्यों बोलते फॉरन कंपनी उसको क्योंकि उसका इन कॉरपोरेशन बाहर हुआ इंडिया में हुआ लेकिन उसका इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेस कहां पे है इंडिया के अंदर है क्लियर हो गया तो ऐसी कोई भी कंपनी फिजिकली या अपने एजेंट के थ्रू किसी कंपनी के थ्रू क्या करती है वो इंडिया में अपना वर्क मोड ऑपरेट करती है ऐसी कंपनी को बोलते हैं बेटा फॉरन कंपनी बोलो क्लियर हुआ समझे आगे yes, मान के चलूंगा समझ में आ रहा है चलो हाँ नहीं तो फिर हम देख लेंगे चलो नेक्स्ट पे आओ पेज बैंकिंग कंपनी का मतलब क्या भाई जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नाइन के अंदर जिन भी कंपनी रजिस्ट्रेशन हुआ है दैट इज बैंकिंग कंपनी ये पूछा नहीं जाता हमारे पास में बट नेक्स्ट इज लिस्टेड कंपनी किसे बोलते हैं सुनो बताओ तुम बताओ

पेड ऑफ शेयर कैपिटल के बेस पर एक कर दोन ओवर के पर तो स्मॉल कंपनी को अगर आप डिफाइन करके आओगे तो वहां पर इसका तरीका बदल जाता है तो नॉर्मली क्या होता है स्मॉल तो कंपनी मतलब जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से 5 करोड़ रुपए तक है इंडिया में अगर नॉर्मली बोलूं ना अभी रिसेंट में एक बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट आया था लेकिन मैं बात अभी नहीं करूंगा बट एक्चुअली इसी के बारे में बात थी बोला गया था भैया कि एक ना एक है नफरा नफरा ठीक है आगे बढ़ाऊंगा अभी सुन लो खाली अभी के लिए तो इंडिया में बोला गया कि इंडिया में जितनी भी हैं उनका ऑडिट मैंडेटरी नहीं है ऑडिट मैंडेटरी नहीं है ये आया था लेकिन इस बात को दबा दिया गया वो बोला कि अगर इंडिया में है तो मैक्सिमम कंपनी कौन सी है? इंडिया में मोर देन ट्वेंटी फाइव लैख कंपनीज आर रजिस्टर्ड जानते हो गूगल पे चेक करोगे यू विल गेट द आइडिया इंडिया में पच्चीस लाख से ज्यादा कंपनीज हैं रजिस्टर्ड कंपनीज तो बोला भैया कि

नाउ इट इज अप टू ये भी चेंज किया है है तो कहने का मतलब क्या है गाई? तो अब ये पार्ट चेंज हो चुका है अभी पार्ट चेंज हो चुका है अभी इसमें और भी अमेंडमेंट आई है तो वो अभी आपको कंटिन्यू नहीं करनी बस याद रखना ऐसी कंपनी जिसका पेड अप और जिसका टर्न आपको याद रखना है तो ऐसी कंपनी को बोलते हैं स्मॉल कंपनी ठीक है आगे बढ़े नॉर्मल याद रखना है डीप में जाने की रिक्वरमेंट नहीं आगे आओ चलो भैया चलो आगे जाते हैं नेक्स्ट 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 अब आएगा नंबर उसका जिसके बारे में पढ़ना है अब हमें पढ़ना है बेटा इसको पढ़ना है इसको रिवाइड ढंग से कर लो

तो पॉसिबिलिटी सेक्शन एट कंपनी भी क्वेश्चन दोबारा पूछने की आपके पास चांसेस हैं इस टाइम पे तो दोनों को ध्यान से पढ़ना है फोकस करो, को, को फोकस करो बेटा तो बात करते हैं सुनो 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 हमारे पास में कुछ प्रोविजन है नाम है वन पर्सन कंपनी मुझे कुछ बातें आप लोगों से पूछनी है जवाब देना मुझे ठीक है सुनना शॉर्ट में बोलते हैं इसको ओपीसी क्या बोलते हैं ओपीसी क्या बोलते हैं ओपीसी वन पर्सन कंपनी के बारे में बात करते हैं ध्यान से तो हां बोल दिया तो आएगा पेपर ये हां वश मीनिंग के ऊपर आया था उसमें का क्वेश्चन जरा डिप में नहीं आया था ठीक हाँ. है हां बट मैं कह रहा हूं बेसिक क्वेश्चन पूछता रख के ऊपर जरा डिटेल में क्वेश्चन जाएंगे नहीं बस डिटेल में जाएगा इन कंपनीज के ऊपर अब सुनो ध्यान से वन पर्सन कंपनी किसे कहा जाता है किसे बोलते हैं पहली बात तो यह बात कि ओपीसी इज ए पार्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड दिस पापा का नाम प्राइवेट कंपनी है समझ रहे हो पापा मम्मी कौन है प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी का हिस्सा है ये तो जवाब दो बेटा क्या प्राइवेट कंपनी के जो कॉमन प्रोविजन हैं जो प्राइवेट कंपनीज पर एप्लीकेबल होते हैं इंडिया के अंदर क्या वो भी इस पर एप्लीकेबल होंगे हाँ नाटल बताओ क्या प्राइवेट कंपनी के प्रोविजन इस पे एप्लीकेबल होंगे हाँ या ना एक्सेप्ट सम तो 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 आंसर इज यस तो पहली बात तो यही निकलती है सिंपल सी बात वन पर्सन कंपनी कौन सी कंपनी को बोलते हैं वन पर्सन कंपनी इज ए प्राइवेट कंपनी मैं बोलूंगा ज्यादा लिखूंगा कम क्योंकि रिविजन चल रहा है इस टाइम पे इज ए प्राइवेट कंपनी जो मैंने अपनी क्लास पढ़ी थी उसमें मैंने पूरे डिटेल में लिखवाया इस पार्ट को वन पर्सन कंपनी प्राइवेट कंपनी है इसलिए मैं बोल सकता हूं कि ऑल दी प्रोविजन ऑन वन पर्सन कंपनी नंबर पहली बात तो ये दूसरी बात सर ये तो क्लियर हो गया अलग क्या है इसके अंदर अलग ये है बेटा सुनना ध्यान से बात को अब सुनना चालू करो चालू करो वन पर्सन कंपनी में एक ही मेंबर होता है क्योंकि जब हम क्राइटेरिया जब हम कैटेगरी बिल्टअप करते हैं प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज सुनना जब हम कैटेगरीज को बिल्टअप करते हैं तो हम बेसिकली कैटेज तीन बना के चलते हैं पहली हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं पब्लिक कंपनी की बात करते हैं और हम ओपीसी के अलग से बात करते हैं क्योंकि रीजन इज वन पर्सन कंपनी ऐसी है जहां पर सिर्फ एक मेंबर दैट इज एक सब्सक्राइबर ही काफी है एक सब्सक्राइबर एक बंदे का ही पैसा लगा हुआ है वही काफी है अपनी कंपनी को बनाने के लिए नंबर वन मतलब सिंपल रिवाज क्या सर यही सुनना ध्यान से हर बात को सुनना मिस मत करना का वेरी गुड बेटा वही पर्सन होगा जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करेगा साइन करने का मतलब इसी पर्सन को बोलते हैं सिग्नेटरी तो रिमेंबर वन पर्सन कंपनी में अब आपके पास में क्या बोलेंगे एक पर्सन से भी कंपनी बन सकती है नंबर नंबर टू पे आता हूं सुनना अगली बात करता हूं दूसरी बात वन पर्सन कंपनी अगर बनाने जा रहे हो तो यहां पे प्रोविजन कुछ नए लगते हैं जो कि नॉर्मली किसी बाकी प्राइवेट कंपनीज पे नहीं लगते नॉर्मली ऐसे प्रोविजन जो बाकी प्राइवेट कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं है वो यहां पर एप्लीकेबल है

कह रहा है सर फाउंडेशन के में तू बेटा स्पैम लायक हाँ अभी तो नहीं है बेटा अभी कोई अयन अगर चेंजमेंट आना होता चेंजमेंट आ चुका होता बेटा एकदम इंस्टेंट धक्का देने धक्पा ऐसी नहीं करता बेटा ठीक है चलो तू करता रहा है स्पैम कोई दिक्कत नहीं सुनो बात करते हैं नॉमिनी के लिए तो नॉमिनी को अपॉइंट करना जरूरी है बारे में हम पढ़ चुके हैं कि नॉमिनेशन के लिए यहां पर आई एन सी थ्री वेरी गुड बेटा आई एनसी थ्री जब इनको कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करोगे अगर आप अपनी कंपनी बना रहे कौन सी अगर आप अपनी कंपनी बना रहे हो बेटा कौन सी कंपनी कंपनी तो आपको कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जब आपने लिखा था याद करो पढ़ाया था लिखवाया है कि जब आप फॉर्म बना दो स्पाइस प्लस स्पाइस प्लस आई एन सी थर्टी टू मुझे फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन कंपनी इस फॉर्म के साथ आपको आई एनसी थ्री भी जोड़ना पड़ता है कहा नंबर टू नॉमिनेशन क्लोज बोलते हैं तो नॉमिनी के लिए कुछ प्रोविजन का कंसेंट नॉमिनी का कंसेंट रिटर्न कंसेंट जरूरी होता है अगर आप वन पर्सन कंपनी बना रहे हो और किसी पर्सन को ये वह सब्सक्राइबर किसी पर्सन को अगर अपना नॉमिनी अपॉइंट कर रहा है तो उस नॉमिनी का कंसेंट लेना जरूरी है उस नॉमिनी की सहमति लेनी जरूरी है नंबर वन ये मैंने प्रॉपर लाइन लिखवाई थी यहां पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ठीक okay? exactly. 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 है ओके वेरी गुड बेटा इंद्रजीत है एक्टली बेटा इंद्रजीत बेटा आई इज कॉल्ड इन कॉरपोरेशन फॉर्म नंबर थ्री ये फॉर्म के नंबर है इंद्रजीत फॉर्म बेटा ये इन वाले आपने शायद क्लास नहीं देखी है बेटा तो वहां मैंने पूरा बताया कि स्पाइस क्या है सिंप्लीफाइड परफॉर्म फॉर इन कॉर्पेंट कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली रिमेंबर ये फॉर्म नंबर है आई इज डिनोटिंग इन कॉर्पोरेशन ठीक है ये फॉर्म नंबर है तो बात ओके ठीक है वेरी गुड आगे बात करते हैं तो नॉमिनी का कंसेंट देना जरूरी है और ये कंसेंट जो होता है ना ये इस मेमोरेंडम में लगता है पहली बात नंबर इसके साथ साथ में दूसरा प्रोविजन है कि अगर नॉमिनी अपना कंसेंट विदड्रॉ करना चाहता है नॉमिनी अपना कंसेंट विदड्रॉ करना चाहता है कि भैया मुझे नहीं बनना है कंपनी का मुझे नॉमिनी नहीं बनना इस कंपनी में तो बेटा उसको उस चीज का ऑप्शन दिया गया या नहीं दिया गया ये मैंडेटरी है अगर नौमिन, आपने नॉमिनी अपॉइंट कर दिया एग्जाम्पल मान लो किसी किसी पर्सन ने एक कंपनी बनाई है ना मेरे अंकल ने कंपनी बनाई वन पर्सन कंपनी और उन्होंने क्या किया मेरा मेरे को नॉमिनी अपॉइंट कर दिया तो लोग कहता है भैया पहले जिसको नॉमिनी बना रहे हो ना उसे पूछ लो कि वो रेडी भी है या नहीं है कि तू तैयार है या नहीं है और अगर कंसेंट दिया और कंसेंट देने के बाद अगला प्रोविजन कहता है कि उसको और पूछो कि क्या वो अपना कंसेंट विदड्रॉ करना चाहता है नहीं चाहता नंबर दो बात है तीसरी बात ये जो पर्सन होगा बेटा ये इंडिया का रेजिडेंट होना जरूरी है नॉमिनी क्या होना चाहिए इंडिया का रेजिडेंट होना जरूरी है पहले रेजिडेंट का मतलब क्या होता है जिस जो पर्सन जिसने इंडिया के अंदर वन ट्वेंटी डेज कम से कम एक सौ बीस दिन एक सौ बीस दिन ट्वेंटी डेज इन द प्रीवियस ईयर पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर जिसने एक सौ बीस दिन या उससे ज्यादा यहां स्पेंड किए और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में था वो पर्सन ही नॉमिनी बन सकता है वही पर्सन आपका सब्सक्राइबर होना चाहिए नंबर वन ठीक है आगे आते आते हैं आते हैं नेक्स्ट पे गाइस होना जरूरी है हमारे पास में तो ये कुछ बातें हैं जो नॉमिनी को लेकर पॉइंट होता है लेकिन आगे भी बात खत्म नहीं हुई बात चल रही है हमारे पास में इंद्रजीत बेटा एमसीक्यू वाला प्रैक्टिस में सीएमए बैच में कराता हूँ सीएमए वाला बैच धनुष बैच है धनुष बैच मॉर्निंग में बारह बजे होता है इंद्रजीत ये सीए फाउंडेशन का बैच है भीष्म बैच ठीक है इस वाले बैच में हम अपना राइटिंग पोर्शन करेंगे बेटा ठीक है ओके okay? यस yes. तो मॉर्निंग में जो बैच है धनुष बैच धनुष बैच इस फॉर सीएमए फाउंडेशन वहां पे मैं आज इवन अगर आज वाली क्लास देखोगे तो आज हमारा आई थिंक थर्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस था बेटा हां हां सीएमए में होता बेटा हां बेटा सीएमए नहीं होता सीएमए राइटिंग पोर्शन पूरा सब्जेक्टिव पोर्शन होता है बेटा, हाँ बेटा. येस, तो नेक्स्ट पे आते हैं तो भाई इसका मतलब ही क्या है अभी जो कंसेंट वगैरह दिया जाता है ना ये भी क्या होता है इसको आर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास भी सबमिट करना होता है तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जहां पर हम बात करते हैं नॉमिनी के बारे में ठीक है इसका डिटेल वर्जन

बोला गया भैया कहलाएंगी सेक्शन कंपनी के नाम सुन लो इन्हीं को बोलते हैं है तो लाइसेंस लेना रिक्वायर्ड है सुन लो काम की बात अगर कोई पर्सन एक सेक्शनेट कंपनी बना रहा है कोई एनजीओ ओपन कर रहा है नॉट फॉर प्रोफिट ओपन कर रहा है तो इन दैट केस उस पर्सन के लिए उस कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है कि आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा लाइसेंस के बाद इनकॉरपोरेशन होता है या अलग यहां पे अलग सीन चलता है पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा लाइसेंस ले लिया तब जाके कंपनी का इनकॉर्पोरेशन चालू होता है तो कहने का मतलब क्या सुनना ध्यान से बात को क्या बोल रहा हूं रिवाइज करवा रहा हूं स्पीड अप में करवाऊंगा प्लीज मैं डिटेल में नहीं लिखवा रहा हूं ठीक है ओके आओ जिन्होंने पढ़ा उनका आइडिया बेटा कि मैंने जिनके पास क्लासेस रखी हैं जो पास पढ़ रहे हैं एक्टिवेशन करवा रहे क्लास का उनको प्रॉपर आइडिया है कि वो पूरी क्लास में हमने प्रॉपर लिख लिख के पढ़ा है हर चीज लिख लिख के पॉइंटर बनाकर पढ़े अभी सुन लो खाली बेटा यही है एनजीओ हाँ वही है आओ तो, बात करते हैं तो, पढ़ते हैं। तो क्या होता है बनाया जाता है किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए वो पर्पज क्या होगा जैसे इसकोन टेम्पल है इसकोन टेम्पल का मेन पर्पज है कृष्णा जो गोड कृष्णा है कृष्ण जी अपने ठीक है उनका प्रमोशन करना उनका प्रमोशन करना, उनके नाम को फैलाना उनका हर एक काम उन्हीं के नाम को प्रमोट करने के लिए हो रहा है और आज इसीलिए आज वर्ल्ड में नॉट इन इंडिया वर्ल्ड में अलग अलग जहां उनके अलग से आपको प्रॉपर मंदिर दिख जाएंगे दैट इज सेक्शन कंपनी के अंडर में आते हैं नंबर नंबर ऐसा कोई भी काम जो किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए किसी कल्चर को प्रमोट करने के लिए किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए जो बनाए जाते हैं इन्हें सेक्शन सेक्शन कंपनी कंपनी कहा जाता है आओ दिखाता हूं. तो क्या बोला इज इज द मीनिंग ऑफ नंबर किसी कॉमर्स को आर्ट को साइंस को स्पोर्ट्स को एजुकेशन को रिसर्च को सोशल वेलफेयर को या रीजन को चैरिटी रिलीजन को चैरिटी को प्रोटेक्शन एनवाइट प्रोटेक्शन के लिए तो इनके लिए जो बनाया जाता है उन्हें क्या बोलता है बेटा सेक्शन

तो वो क्या है वो एक्चुअली वो कंपनी एक है जिसने किस लिए की कि? एनिमल्स के लिए वो डॉग्स के लिए बनाया वो स्पेशली किस लिए वेलफेयर पार्ट कर रहे हैं समाज सेवा कर रहे हैं प्रोटेक्शन कर रहे हैं एनिमल्स के लिए है कोई सफाई में लगा हुआ है कि नाले साफ कर रहे हैं मुंबई में कंपनी देखी थी मैंने तो कहने का मतलब क्या हुआ ऐसी कंपनी जो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को पकड़ के उसे प्रमोट करने पर लगी है क्लीननेस के ऊपर बात कर रहे हैं रिमेंबर नॉलेज पे अवेयरनेस पे बातें कर रहे हैं तो वो कंपनी कौन है गाइस वो कंपनी कौन सी है बेटा उन कंपनी को बोलते हैं क्या बोलते हैं सेक्शन कंपनी नंबर 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 खत्म नहीं हुआ प्रमोशन के साथ साथ के साथ साथ प्रमोट करने के के ये कंपनी अंदर अब मुद्दा पूछता हूं रिप्लाई करना जवाब दो क्या इन कंपनीज में, तो में जो मेंबर होते हैं सेक्शन कंपनीज में जो मेंबर होते हैं क्या उनको उनके पैसे के बदले डिविडेंड मिलता है क्या टलमी क्या इन कंपनीज के अंदर डिविडेंड मिलेगा हा है ना से पार्ट प्राइवेट कंपनी का पार्ट है प्राइवेट कंपनी का पार्ट है बट इसलिए रिक्वायरमेंट नहीं है सेक्शन कंपनी कंपनी प्राइवेट का पार्ट है बट इज नो रिक्वायरमेंट टू यूज वर्ड प्राइवेट लिमिटेड बोलो क्लियर है वेरी गुड गुडिया वेरी गुड आंसर इज नो अभी जय श्री कृष्ण बेटा तो क्या बोल बोला सर नो इसका मतलब क्या है इस मतलब नो डिविडेंड विल बी डिक्लेयर ऐसा थोड़ी है कि मैंने मंदिर में मूवी देखिए पीके मूवी पीके कि मैंने मंदिर में चढ़ावा दिया पैसा निकाल सकता हूं मेरा डिविडेंड ऐसा नो

दिखाता हूं ऊपर लिख दिया मैंने मतलब जो यहां पर जो प्रॉफिट होता भी है बेटा वो उसको सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाएगा जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनाया गया उसे प्रमोट करने के लिए मेंबर्स को कोई भी डिविडेंड नहीं मिलता प्रोहिबिशन है नहीं मिलता भाई साहब आगे आते हैं पर्पज भी क्या है भैया इसलिए वो क्या बोलते हैं इन कंपनी का नाम देख लो इसी को बोलते हैं भाई सिंपल सी बात नॉट प्रॉफिट कंपनीज एसोसिएशन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट इसी को बोलता है चैरिटेबल कंपनी या लाइसेंसिंग कंपनी का लाइसेंसिंग कंपनी का हो चैरिटेबल कंपनी का हो एनपीओ का हो बात एक ही है हाँ सर मोर exactly बेटा यस yes, बेटा डन लाइव ही होता है बेटा अभी हाँ. अच्छा, मजाक अच्छा, हाँ, भी नहीं कर सकता बताओ. से भी नहीं कर रहा हूं। ऐसे करोगे तो आगे तो जस्टिफिकेशन <laughs> तो देने सारे पहुंच जाते हैं सर वो लोन लाइव लोन लव नहीं बोलो लाइव बोल रहा था हाँ आ जाओ मुझे इस कंपनी के बारे में ना इस कंपनी के बारे में कंपनी है निधि कंपनी का इस निधि कंपनी नॉर्मली निधि कंपनी क्या होता है निधि कोई लड़की का नाम नहीं निधि जारी निधि जारी है ना सुनदन से निधि कंपनी किसे कहा जाता है सुनोधन से ऐसी कंपनी जिसमें कुछ स्पेसिफिक लोग है होता है ना आपस में मिल गए और वो डिसाइड करते हैं कि हम दस लोग इकट्ठे हो गए हैं दस लोग आपस में कुछ कुछ पैसा निकालेंगे और डालेंगे जगह पर और वो लोग ही उस पैसे को यूज कर पाते हैं इसका नॉर्मली आपने एक वर्ड सुना होगा अपने आसपास में हम कमेटी डाल रहे हैं कमेटी है ना आज ही मैंने तो मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था मुझे तो मैंग सर से इन्फॉर्मेशन मिली पूरी डिटेल के अंदर मैंग सर ने बताया मेरे को तो सर कमेटी ऐसे ऐसे होती है अच्छा मैं इसके अला निधि कंपनी है तो अब निधि कंपनी की बात है निधि कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जहां पर जो मेम्बर होंगे वही उस अपना पैसा इन्वेस्ट कर डाल रहे हैं और वही लोग उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं ऐसी कंपनी को बोलते हैं बेटा निधि कंपनीज क्या बोलते हैं

हैबिट किसकी हैबिट बिल्डअप करने के लिए सेविंग की हैबिट को प्रमोट करने के लिए लोग क्या करते हैं अपनी कंपनी बनाते हैं और क्या होता है और ये जो पैसा मिलता है ये उन्हीं को मिलता है जो उसके मेंबर होते हैं मतलब इसका पैसा किसको मिलेगा उन्हीं को मिलता है तो लिखा एक वर्ड और सुन लो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब रेगुलेशन फॉर कंपनी ऐसी कंपनीज के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम किया जाता है या अमेंडमेंट होती है जो नए रूल्स आते हैं वो कौन लेके आता right है सेंट्रल गवर्नमेंट इज हैविंग द सोल राइट ऑन दैट क्लियर है गाइस याद रहेगा निधि मतलब हाँ अनमोल बेटा बहुत सारी कंपनी है बता है ना क्या बोलू पता वो नहीं है याद है? था? था एक, एक, एक हाँ. हाँ. निधि बोलते हैं नॉर्मली कुछ लोग एग्जांपल हम लोगों ने डिसाइड किया एग्जांपल अगर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो भैया अब से हर महीने हम सब पांच पांच हजार रुपए निकालेंगे और इकट्ठा करेंगे ठीक है और हर महीने कोई भी एक पर्सन उस पैसे को निकाल सकता है जिसका मन करेगा ठीक है, ओके? तो ये क्या है? भाई जिसको बाद में, में ले लो इकट्ठा मिल जाएगा तो इसके लिए ऐसी निधि बोलते हैं तो वो लोग चाहे तो कंपनी बना सकते हैं रिमेंबर ये नॉर्मली आपको पड़ोस में मोहल्ले पड़ोस में सोसाइटी भी दिख जाती है करने के लिए ठीक है और चलो गारंटी है अगली क्लास में करवा दूंगा डैम श्योर नेक्स्ट so क्लास में हर बच्चे तक ये बात पहुंचा दो कि हम नेक्स्ट क्लास में कैसे करते हैं? कैसे उसका लिखना होता है मैं इसके ऊपर क्या बात कर रहा है, हा? तुम्हारी बात ना मानू तो कहां जाऊंगा बेटा नेक्स्ट पे आता से बोलते हैं इनएक्टिव कंपनी किसको बोलते किसको बोलते हैं ध्यान से मीनिंग ऑफ डॉर्मेंट कंपनी सुनते हैं दिखाता हूं सर ऐसी कंपनी से बनाया तो गया कोई काम नहीं हो रहा उसके अंदर होता ना एग्जाम्पल मुझे बताओ कि मैं आज कोई कंपनी बना के बैठ जाऊं ठीक है हाँ सर इको की क्लास भी चाहिए आप पढ़ना नहीं बेटा क्वेश्चन वो आप कोई और पढ़ाएंगे सर पढ़ाएंगे हाँ ठीक है अभी डेफिनेटली कराऊंगा बेटा टेंशन नहीं लेने का बेटा टेंशन नहीं लेने का आप तेरे साथ है ना टेंशन नहीं लेने का सुनो 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 भाई लोगों बात करते हैं द नेक्स्ट कंपनी इज डॉमिट या इनएक्टिव कंपनी किसे कहते हैं होता है कहीं लोग करते हैं कंपनी बना लेते हैं आज काम नहीं करेंगे ठीक है जब कुछ सालों के बाद काम करेंगे दो साल बीतने तो ऐसी बट कंपनी है तो बात करते हैं क्या लिखा द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंटिविता लिखा हुआ विद्ड एंड रजिस्टर्ड ठीक है किस लिए फॉर ए फ्यूचर प्रोजेक्ट आप फ्यूचर में कोई काम बोलते हैं गुडविल पेटेंट होता ना कि मेरी कंपनी इतने साल पुरानी है कुछ टाइम पर बोल पाऊंगा क्या है आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को खड़ा करने के लिए रेडी करने के लिए कर रहे हो आज एक कंपनी बना रहे हो कि आज काम नहीं करेंगे बाद में करेंगे तो बाद में मतलब कौन सी फ्यूचर में करेंगे तो ऐसी कंपनी जिसमें लिखा भी है और वहां पर कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होती कोई फाइनेंशियल लेन नहीं हो, हो रहा जब काम ही नहीं हो रहा सुनना जब काम ही नहीं हो रहा तो पैसा कहां से आएगा क्या बनाओगे पेंडल क्या बनाओगे बैलेंस शीट है ना तो ऐसी कंपनी को बोलते हैं बेटा क्या बोलते, है। है बोलते हैं बोलते है, या ऐसी ऐसी तो एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि हम जो कंपनी बना रहे हैं वो कंपनी का स्टेटस क्या है उस कंपनी का स्टेटस क्या है डोरमेंट या इनएक्टिव कंपनी तो पहले से बताना पड़ता है कि जो कंपनी बना रहे हैं वो डोरमेंट या इनएक्टिव कंपनी होने वाली है बोलो क्लियर हुआ समझ में आया हाँ यस डन अनमोल बेटा डे अभी अपकमिंग क्लासेस में स्टेप बाई स्टेप मैं जितने भी एक्ट हैं सिलेबस के उन सब के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ डोंट वरी बट नेक्स्ट जो क्लास लूंगा उसे कोई बच्चा मिस ना करे ओके मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ केस लॉज के आंसर कैसे लिखते हैं प्रॉपर और एक ऐसा पैटर्न दूंगा उस पैटर्न के बाद कोई भी बच्चा किसी भी एक्ट के कोई भी क्वेश्चन लिख पाएगा चाहे आपको लीगल लैंग्वेज आती है नहीं आती है इंग्लिश लैंग्वेज याद है नहीं है आप लिख पाओगे मेरी गारंटी है तो हम देने वाले हैं आपको प्रसाद है ना हाँ <laughs> <नलाक>। <laughs> हाँ बेटा अनमोल बेटा नहीं सुन ध्यान से दो फर्क है ध्यान से एक कंपनी बनाई जिसमें आप चोरी करना चाहते हो बेटा अनमोल समझ रहे हो <laughs> समझ रहे हो <हूं? laughs>

तो जिनकी इतनी देर से बात कर रहे थे प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी होती है प्लीज 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 कुछ ही जान लो हमारे पास में एक सबसे बड़ी बात इन दोनों में जानने वाली चीज सुन लो हाँ सर आप ही कृपा रहे तो सर और क्या चाहिए बस बेटा कृपा जा रही है हमेशा जा रही है सुनो ध्यान से हाँ 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 अभी अभी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बेटा क्या बात कर रहे हो सुनो 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 बात करते हैं तो पहली बात सुनो सुनोधन से प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी इतनी देरों से जो बात चल रही थी जिन कैटेगरीज की हम बातें कर रहे हो सारी कंपनी कौन सी है दिस कंपनी बिलोंग्स टू प्राइवेट कंपनी वो प्राइवेट कंपनी का हिस्सा और और एक बात और सुनो ध्यान से मैथ्स वाली क्लास रेगुलर ले रहे हो या नहीं ले रहे हो ना लैक हो लैग मत करना चारों सब्जेक्ट की अपनी इक्वल वेटेज है बेशक लॉ और मैथ्स ऐसा पार्ट है लॉ आप पहली बार पढ़ रहे होते हो रिमेंबर मैथ्स में किसी बच्चे कोई भी दिक्कत अगर आती है गारंटी मेरी है सर अभी जो अगर पिछला रिजल्ट देखोगे आप मैथ्स के अंदर तो बच्चों के एक तरफ जो रिजल्ट मुझे सुनने को मिल रहा था से, बाकी से, बच्चों के मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने बेटा प्लस से भी ऊपर स्कोर किया है मैक्सिमम मार्क्स देख फाउंडेशन लेवल तो मैथ्स में जो एक्चुअली कंसेप्ट चाहिए होता है पढ़ना होता है तो क्लासेस गलती से मिस मत कीजिएगा हाँ सर मैं स्टूडेंट अभी इलेवेंथ क्लास है वेरी गुड अभी वेलकम बेटा ठीक है वेरी गुड नाइस चलो आगे आते हैं तो बात करते हैं बेटा आगे बढ़ते हैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी सुनना प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी तो प्राइवेट कंपनी क्या और पब्लिक कंपनी क्या इनका सबसे बड़ा पार्ट सुन लो क्या पार्ट था क्या अमेंडमेंट इसमें आई थी क्या चेंज आ चुका था पहले होता रहा भैया कि इनके अंदर पेड अप शेयर कैपिटल की मिनिमम लिमिट थी कोई ऐसा तो नहीं है यहां पे जो बोले सॉरी पेड अप कैपिटल क्या होती है कोई है ऐसा कोई नहीं है सुनो इसलिए ध्यान से हा हा कौशल वही तो अब बताओ अगर कोई ये मेजरमेंट करेगा अच्छा बच्चे कम बैठे इसलिए क्लास है इस बात के बारे में <laughs> सुनो गाइस समझना पहली बात प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी को कहते हैं गाइस नॉर्मली हमने सुना था कि मिनिमम पेड अप कैपिटल शेयर की रिक्वायरमेंट होती है बट एक बात बताओ पहले यहां पे लिमिटेशन थी कि भैया पांच लाख से कम है दो लाख है तो वहां लिमिटेशन थी पहले दो लाख से नीचे वाला पांच लाख वाला, वाला क्रेटेरिया था अब वो क्रेटेरिया हट चुका है तो आज के बाद जब भी आप अपने पास में प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी याद रखेंगे तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग अभी जो बोल रहा हूं वो टेक्निकल पॉइंट है तो सब सुनना ध्यान से बात को बेटा हां जी तो पहली बात क्या है सुनो 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 प्राइवेट कंपनी कंपनी और पब्लिक दोनों में से अब ये मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया है मतलब अब मिनिमम मतलब अलग समझते हैं इसलिए मैं वर्ड को क्लैरिफाई कर रहा हूं सुन लो इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इनके साथ प्राइवेट कंपनी कंपनी इट ड मीन गलत है, है, है सोचो नाइको ना सोचो कंपनी बना रहे हो पैसा लगे है, ना लगेगा ए बन रहा है प्लेस है तुम्हारे काम करने के लिए तो पैसा जाएगा नहीं जाएगा जाएगा ना तो जिन मेंबर्स ने अपना इनिशियल पैसा लगाया सुनो 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 सुन लो टेक्निकल पॉइंट गलती जहां पे होती है जिन ने अपना पैसा लगाया शुरू में लगाना पड़ेगा ना चाहे प्राइवेट कंपनी चाहे पब्लिक कंपनी हो बोला उसकी लिमिट हटा दी कि अब पैसा कितना भी हो पैसा तो होगा ना तो बोला मिनिमम पेड अप कैपिटल जो पहले रिक्वायरमेंट होती थी कि दो लाख पांच लाख वो हटा दी गई अब बोला कितना भी हो सकता है तो बोला एज प्रेस्क्राइब बाई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन विच मीनस लेकिन जितनी होगी जितना पैसा आपने डाला है उसकी रिक्वायरमेंट उसके बारे में आप कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखोगे

बेटा मेंबर नहीं पूछे डायरेक्टर पूछे मैंने डायरेक्टर हाँ। तो के अंदर मिनिमम दो पब्लिक में तीन मिनिमम डायरेक्टर्स और वहां पे मैक्सिमम डायरेक्टर कितने मी। अच्छा इन कितने कितने ये नॉलेज के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बताओ कल को जाके नाक कटाओ आगे पास कितने होते हैं मैक्सिमम पंद्रह वेरी गुड क्वेश्चन बहुत बढ़िया बेटा कॉमन एग्जैक्टली

प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी और यहां लिख रहा हूं वन परसन कंपनी ओपीसी ये तीन ही अलग चीजें हैं ठीक है तो बोला भाई पहले प्राइवेट कंपनी में मेंबर कितने डायरेक्टर कितने ओपीसी में डायरेक्टर कितने, कितने तो फर्स्ट लिखता हूं द मेंबर नोट कर लो नोट करने दो मेंबर कितने होते हैं डायरेक्टर कितने होते हैं अगेन मेंबर कितने डायरेक्टर कितने मेंबर कितने डायरेक्टर कितने तो यहां पर दो दो कंडीशन है प्राइवेट कंपनी में मिनिमम दो मेंबर होंगे चलेगा और मैक्सिमम दो सौ हो सकते हैं ये मेंबर के लिए बोला मैंने बट डायरेक्टर के लिए क्या बोला मिनिमम दो डायरेक्टर और मैक्सिमम पंद्रह सेम पब्लिक कंपनी में कितने मिनिमम मेंबर मेंबर मिनिमम है मिनिमम और मैक्सिमम पे नो लिमिट पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम कितने भी मेंबर हो सकते हैं नो लिमिट बट डायरेक्टर पे लिमिटेशन है मिनिमम डायरेक्टर कितने इसमें मिनिमम डायरेक्टर होते हैं तीन पब्लिक कंपनी में तीन मिनिमम डायरेक्टर क्या है वही तो 15 होते हैं डायरेक्टर में क्या है member कितने है? अभी पढ़ गया हो एक <laughs> वही रहे <laughs> है वही रहेगा ठीक है डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट वही है मिनिमम डायरेक्टर कितना इसमें एक लेकिन कंपनी में अगर काम बढ़ रहा है कौन कर सकता है मिनिमैक्सिम कितने पंद्रह डायरेक्टर्स तो पंद्रह की लिमिट तीनों में डायरेक्टर की सेम रहती है बोलो क्लियर है तो याद रहेगा ये मत कर रहे हैं। अलग अलग पार्ट है आ, में होगा। पपंजर ने ट्वीट किया है सूर्य तो ट्वीट मैंने देखा नहीं अभी है। देखूंगा डोंट वरी ऑफलाइन हो ही होना पेपर तो अब तुम कौन सी उम्मीद लेकर बैठे हो ऑनलाइन की कोविड चल रहा है ना लायको कोरोना चल रहा है नहीं ना हाँ

ठीक है ओके हाँ आप आप चेक कर लो मैंने रखा तुम चेक कर लो आप ठीक है आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट इज कॉल गाइस ये हो गया ये हो गया डन 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 मेंशन भी किया पूरा पूरा कि क्या क्या होता क्या नहीं होता ठीक है लो भैया अब जिस सेक्शन एट कंपनी की बात नहीं हमें डेफिनेशन पॉइंट पढ़ा उसी के ऊपर मैंने पूरा कंटेंट आपके नोट्स में दिया हुआ है ये पूरा आपको याद नहीं करना क्योंकि इसका पूरा डिटेल डिस्कशन अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो सेक्शन कंपनी जो मैंने अभी बताया आपको इसके अलावा इसके अलावा जिस कंपनी का ये पूरा पार्ट है दिख रहा है ये ये वाला पार्ट इस पार्ट दिस बुक में जो मैंने पार्ट दिया है दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ विल बी एप्लीकेबल ये एप्लीकेबल है फॉर इंटरमीडिएट इससे ऊपर वाला पार्ट फाउंडेशन का है और ये वाला पार्ट एप्लीकेबल फॉर इंटर ये पार्ट आपको इंट्री पढ़ाया जाएगा भैया कैसे लाइसेंस मिलता है लाइसेंस को वापस कैसे करते हैं रिमूवल क्या है बैक पे भाई बैक क्या होता है वो बोला हाँ आई से लाइक ना ना भैया ना हमें तो ऑफलाइन ही लेंगे में आया, सुनामी थी, हाँ, वेरी गुड तो पॉइंट क्या है इससे यहाँ वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको

1 company का incorporation part का वाले लेकिन यहां पर याद वो सारा foundation level का पार्ट है। बोलना मत चले भैया ये तो clear हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलो 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 चलो। मूव ऑन मूव तो भैया इसको तो हमने कर लिया और कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है अगर आपको इन कॉरपोरेशन कंपनी याद है तो वहां पर खासकर नॉमिनेशन क्लॉज ही उसे अलग करता है खासकर उसमें नॉमिनेशन क्लोज और कंसेंट वाला पार्ट रहता है उसके अलावा पूरा पार्ट इन कॉरपोरेशन में सेम ही रहता है सेक्शन एट में क्या रहता है जो हमने लिखा है उसमें सेक्शन एट कंपनी में सिर्फ मेनली लाइसेंस वाला पार्ट एड ऑन होगा और बाकी पार्ट सेम रहता है चले तो ये हो गया भैया हमारा पॉइंट खत्म हो गया टाइप ऑफ कंपनी वाला पार्ट लो जी खत्म क्या कर रहे हैं बताओ अब मैंने कंटिन्यू ज़्यादा दे रखे बुक के अंदर क्या करूं हाँ ताकि बच्चों को पहले से आइडिया रहे कि भैया जब करते हैं तो कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं चलें लो भैया इफ यू वॉन्ट टू रीड दैट दिखा देता हूँ फोकस सामने जो ने बोला अभी आपको वन पर्सन कंपनी इज इंपॉर्टेंट पार्ट एज पर योर फाउंडेशन लेवल तो रिकॉलिंग करने के लिए सेक्शन नंबर थ्री ओपीसी पी का बताता है जो बातें मैंने बोली वो सारी हम मैंशन है देखा दिखाता हूँ है ना हा वेट एंड मॉल अभी इस साल तो चेंज होने के चांसेस नहीं है क्योंकि बड़ा हल्ला हुआ कि होगा होगा होगा, होगा और चेंज नहीं होगा ठीक है आराधे करिए इसके बाद एलएलपी स्टार्ट कीजिएगा हमने कौन कौन सा पार्ट कर लिया हमारा आई थिंक सोगा हो गया पार्टनरशिप हो गया कौन कौन सा पार्ट हुआ बेटा इसमें हमारा दो एक्ट तो करे थर्ड एक्ट दिए उसके बाद एलपी आ जाएगा हाँ डन यस चलो अब बात सुनो गाइस ध्यान से आगे पॉइंट पे आते हैं नेक्स्ट इज कॉल वन पर्सन कंपनी में क्या पढ़ा एक पर्सन होगा जो सब्सक्राइब करेगा उसी को सब्सक्राइबर बोलते हैं क्या होगा और वो एम एम को मेमोरेंडम को साइन करेगा नॉमिनी उसे अपॉइंट करना पड़ेगा ठीक है नॉमिनी अपॉइंट करेगा नॉमिनी का कंसेंट लेना जरूरी होता है कंसेंट सबमिट किया जाएगा ये बात हमने पढ़ लिया अपने पास अभी ठीक है लिखवा दिया मैंने पहले से उसके बाद में नॉमिनी की क्वालिफिकेशन क्या भैया सिंपल सी बात नेचुरल पर्सन होना चाहिए आप ये बोल सकते हो कि अरे हमने को है. है? में मतलब क्या नॉमिनी अच्छा, yes. मतलब हमने अपने बैच में पूरा रिविजन कर लिया सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी हो गया पार्टनरशिप भी हो कंपनी भी खत्म होने वाला खत्म बोलो तीन तीन रिवाइज हो गई चलो आ गया Resident का मतलब क्या बढ़ा यहां पर था। यहाँ पे कट कर लो बेटा ये चेंजमेंट हो चुका है दिस चेंज ये बदल गया 182 गया अब अब डेज डेज नहीं हो किसी व्यक्ति ने इंडिया में 120 दिन या उससे ज्यादा अगर स्टे किया है और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट पैसा इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहीं पे कमाया यहीं पे खर्च किया है ना उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर इंडिया में था तो सिंपल सी बात द पर्सन विल बी बिटम एज रेजिडेंट ऑफ द कंट्री ओके चलो आगे आते हैं अरे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कुछ मन में क्वेश्चन आ रहे पूछू 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 क्या एक मेंबर सुना सुनो 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 प्रोविजन कहता है भैया जो नॉमिनी होता है सुनना लेट मी टेल यू अभी प्रोविजन आएगा प्यारा प्यारा दिखाता हूं इससे पहले वाला जिस नॉमिनी की आप बात यहां कर रहे थे क्या किसी का कोई क्या कोई क्या कोई एक परसन, क्या person, एक ओनली वन पर्सन एक पर्सन एक पर्सन एक कंपनी का एक ओपीसी का मेंबर प्लीज रिप्लाई करना अगर रिप्लाई किया लो तुमने तरीके से पढ़ाई कर ली है क्या कोई पर्सन किसी ओपीसी का मेंबर और दूसरी ओपीसी का नॉमिनी हो सकता है हा या ना टेल मी जो लिखा हुआ करवा रहा हूं बताओ हाँ एक मंथ में चार चैप्टर रिवाइज करके एक भी कर देंगे वेरी गुड क्वेश्चन बाबा जी का अलग ही करिए बेटा स्वैग, स्वैग तुमसे आता है मेरा मेरी आर्मी तुम ही हो बेटा यस सीओसी आर्मी अब तो तुम लोग

है तो उसमें ज्वाइन कर मैं बैच के लिए उसमें ज्वाइन कर बेटा हाँ बताओ 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 हो सकता है नारायण को सोचो देखो सबका जवाब गलत गलत है है सबका आंसर पता तुम लोगों को तुमने क्वेश्चन नहीं सुना ध्यान से अब सुन लिया चल दिया एक पर्सन किसी एक, एक एक पार्ट का एक कंपनी एक ओपीसी का मेंबर और दूसरी का नॉमिनी हो सकता है पहली बात ये अलाउड है दूसरा क्वेश्चन पूछूं अब बताना मुझे सेकंड क्वेश्चन क्या कोई पर्सन क्या कोई पर्सन नॉमिनी से बात को अब बताओ मुझे अपनी एक बात समझना रिप्लाई करना नॉमिनल आपने क्या पढ़ा कि भैया नॉमिनी जो होता है वो कौन है जब ये मेंबर मर जाएगा या इंसॉल्वेंट हो जाए मर जाए कुछ हो जाए इसको है ना अनसाउंड हो जाए तो उस केस में इस मेंबर की जगह लेगा नॉमिनी इस मेंबर की जगह लेगा नॉमिनी बट सोचो जवाब दो एक व्यक्ति एक पर्सन है यहां पर सुन रहे हो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्वेश्चन का रिप्लाई देने का मतलब तुम्हारे रेडी हो रहे हैं जनक ना लोग वाले है हाँ ना आपने बताया था रोशनी करिए वेरी गुड बेटा आराध्या बोल रही अच्छा थैंक यू बेटा हाँ। एक पर्सन है इसने दो ओपीसी ओपीसी एक OPC का तो मेंबर है ठीक है और दूसरी ओपीसी का नॉमिनी है तो पहली बात ना इट इज अलाउड हो सकता है पहली बात अब दूसरा क्वेश्चन पूछना बताना रिप्लाई करना मुझे ठीक है पूछता हूं सोचो अगर जिस कंपनी का नॉमिनी था मतलब जिस ओपीसी का नॉमिनी था अगर मान लो उस कंपनी का भी तो मेंबर होगा बताओ है ना भाई जिस कंपनी में तुम नॉमिनी हो जिस कंपनी में तुम नॉमिनी हो उस कंपनी का मेंबर भी तो होगा हाँ होगा तो अगर सोचो उस कंपनी का मेंबर मर गया उस कंपनी का मेंबर मर गया तो एज पर द प्रोविजन तुम नॉमिनी नहीं रहोगे तुम क्या बन जाओगे तुम उस कंपनी का मेंबर बन जाओगे अब बताओ क्या कोई एक पर्सन क्या कोई एक पर्सन एक से ज्यादा कंपनी का मेंबर हो सकता है ये बताओ मुझे क्या कोई एक पर्सन एक से ज्यादा ओपीसी का मेंबर हो सकता है बोलो 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 ये क्वेश्चन है भाई साहब हाँ यही पूछना था मुझे क्या कोई सेम पर्सन एक से ज्यादा ओपीसी का मेंबर हो सकता है पहले इसका रिप्लाई करो मुझे हाँ वेरी गुड अब देखो यही ये, ये तो उल्टा खेलते तो तुम लोग लो बेटा जहां तुम हा करोगे ना हाँ कह ना यही चलता यहाँ पे नहीं हो सकता तो एज पर, एस पर प्रोविजन, वन दोविजन एक पर्सन एक से ज्यादा कंपनी का मेंबर, और सेम, एक के दो जगह नॉमिनी नहीं बन सकता ना तो दो जगह है ना ही दो जगह नॉमिनी बन सकता है तो ये लोग कहता है भैया लिख लो इस लाइन को तुमने भूल जाओगे पता मुझे इसलिए मैंने पूछा आप लोगों से तो देखो एक बात लिखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख लो इसके रिगार्डिंग जो हमने अपने नोट में छोड़ी दी वो लिखवा देता हूं तो पहली बात नोट यहां रिविजन छोड़ी दी पहली बात मतलब ए पर्सन लिखो ए पर्सन कैन नॉट बी मेंबर और नॉमिनी मेंबर और नॉमिनी ऑफ मोर देन वन ओपीसी एक ओपीसी एक ओपीसी मतलब सिंपल सी बात अगर आप किसी एक कंपनी में मेंबर हो और एक में नॉमिनी हो तो अलाउड है एक के मेंबर हो

और जिस कंपनी का वो नॉमिनी था उसका मेंबर मर गया तो ऑटोमेटिक तो तुम क्या कहलाओगे मेंबर बन जाओगे तो लोग कहते नहीं भैया आपको अब चूज करना पड़ेगा कि तुम्हें इसका मेंबर रहना है इसका मेंबर रहना है बोलो क्लियर हुआ यू हैव टू डिसाइड तुम्हें किस कंपनी का मेंबर रहना है या नहीं रहना बोलो क्लियर हुआ तो ये एक कंसेप्चुअल प्रोविजन है बेटा यहां पे जिसको ऐसे पढ़ा जाता है समझ में आ गया डाना भैया क्लियर है बेटा एग्जैक्टली वेरी गुड हाँ आराध्या ऐसे हो बन जाओगे नाइस क्लियर है एंड दिस इज योर पार्ट गाइस ये खत्म हो गया ठीक है तो कुछ पार्ट इसमें एक्ट्राडिशनल प्रोविजन हम पढ़ाएंगे इसमें आएंगे हमारे पास में नॉमिनी के लिए मैंने पार्ट पत्र लिखवा दिया नॉमिनी के लिए ठीक है आपको इन कॉरपोरेशन नहीं पढ़ना हो PC का ये आपके इंटर वाले पार्ट में आता है ये वहाँ पढ़ाऊंगा मैं ठीक है तो अभी वाले पार्ट में खत्म हो गए ऐम हमारा हो चुका ना बेटा अनमोल कह रहा है सर लास्ट वाले में क्योंकि लास्ट वाले में कंफ्यूजन इसलिए बेटा बिकॉज दैट बिलोंग्स टू इंटर वाला पार्ट वहां पढ़ाऊंगा उसको ये ऐसे होता है सुन ध्यान से पूछो रिप्लाई करेगा मैं कहता हूँ मेरी बात करता हूँ मैं छोटा बच्चा हूँ सुनना ध्यान से बेटा मैंने ना मैं एक कंपनी का मेंबर हूँ मतलब आम द सब्सक्राइब मैंने कंपनी खोल रखी है सुनना रिप्लाई करना हर बच्चा रिप्लाई करेगा फिर क्या फर्म करेंगे ठीक है मैं एक कंपनी का क्या हूँ बेटा मैं एक कंपनी का मेंबर हूँ बट किसी और तेरी ओपीसी से एग्जाम्पल तुम्हारी ओपीसी है तुम्हारी ओपीसी में मैं नॉमिनी हूँ ओके ठीक है तुम्हारी मतलब किसी और की ना तुम्हारी बात नहीं करूंगा मैं एक और कंपनी उसका उसका क्या नॉमिनी हूं ठीक है ध्यान से एक का मेंबर एक का नॉमिनी सुनना बल्ले डांस नहीं कर रहा ध्यान से एक का मेंबर एक का नॉमिनी तो हुआ क्या यहां तो मेंबर हूं मैं सब्सक्राइबर पहले मैं ही ओनर यहाँ पे बट जिसका मैं नॉमिनी ना बेटा उसका मालिक मर गया तो एक्चुअली नॉमिनल क्या होता है कि जनरली जब मेंबर मर जाता है तो उसका मेंबर बनना पड़ता है उस कंपनी का तो यहां पर क्या मैं एक से अब क्या होगा यहां भी मेंबर यही मेंबर तो बताओ क्या लो मुझे अलाउ करेगा कि यू विल बी बल्ले बल्ले बताओ कि दोनों कंपनी मेंबर बन जाऊं मैं टेल मी अब बता मुझे सर मैं जो नोट्स लिख लिखा लिखवाया था वही पढ़ रही हूं आपको बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती उसके बाद आरा दिया बेटा थैंक यू वेरी मच थैंक यू इट इज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी बताओ अनमोल समझ में आ गया वन सर हाँ अब क्लियर हो गया यही तो कॉम्प्लीमेंट है भाई बेटा इस... कमाया क्या बता यही कमाया तुम्हारा प्यार कमाया बेटा यस yes. बच्चों को प्यार मिल जाए फिर क्या चाहिए नलायक को हाँ इतने ए प्यार नलायक बच्चे हमारे क्यूट क्यूट से डन वेरी गुड नो 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 नहीं हो सकता ना तो बता मोर आप क्लियर हुआ <laughs> तो लो ने हमें प्रोविजन दे रखा है कि अगर ऐसा हो गया तो वहां पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा तुझे तो इसका मेंबर बनना है इसका मेंबर बनना है बोलो क्लियर हुआ एंड दैट्स इट तो खत्म हो गया बेटा ठीक है तो एमओ हमारा हो चुका है ना क्लास में हमने कर लिया था पहले से एम ओ के क्लोज़ कर लिए ए पार्ट हम कर चुके हैं ए वे क्लोज हमारा हो चुका है तो भैया बचा गया इसमें ऑलमोस्ट तो कर ही चुके बताओ एंड एंट्रेंसमेंट अभी नहीं आता तुम्हारे पास में ठीक है क्लोजिज भी हो चुके हैं इसके पार्ट में इनकॉर्पोरेशन लिखवा चुका हूँ क्लास के अंदर लो भैया फिर बचा क्या न डॉक्ट्रिन भी कर लिया डॉक्ट्रिन दिनों हो गया ना हमारे पास इंडोर भी हो गया वो भी हो गया ना इंडोर कंस्ट्रक्टिव वो हो गया ना बेटा इंडोर कंस्ट्रक्टिव और अपने पास में नेक्स्ट वाला पार्ट ये तीनों डॉक्टर हो चुके बेटा अल्ट्रा वायरस कंस्ट्रक्टिव और इंडोर तीनों हो गए <laughs> बताओ तीनों डॉक्टर हो चुके हमारी क्लास में हम दोनों हाथ में लड्डू लो लेंगे <laughs> <लो नहीं> लें। <laughs> <लो चले> कंपनी <जाक्रीण। laughs> हो गया है सर कल से एल एल पी करें लो भैया खत्म हो गया भाई साहब अरे थे बोल पूछ ले बेटा क्या पूछना है हाँ यस yes. तो सो अगर, और सेट का और वो क्लास ऑल ओवर इंडिया कोई नहीं लेता <laughs> मैं लेता <हूं। laughs> ठीक है? कि actually, जो आंसर लिखते हैं क्या उसका कोई कॉमन पैटर्न है एग्जाम में आने वाले के स्टडी क्वेश्चन को लिखने का कोई कॉमन पैटर्न है क्या जो एकदम एक्यूरेट है बेटा

तो अभी के लिए बाय बाय मिलते हैं लेकिन नेक्स्ट क्लास का लिंक हर जगह शेयर फैला दो आग की तरह फैला दो ना को व्हाट्सअप टेलीग्राम जो तुम्हें दिखे वहां फैला दो हाँ मोलो बटवा दो कोई दिक्कत नहीं बटवा दो लेकिन बटवा दो हाँ ठीक <laughs> है तो बायो तो गाना भी गा दिया मेरे को अब तो इनको आदर पड़े गाना गाने की तो कौन सा बाय और टाटा सी यू अगेन परसों मिलेंगे तेरे मेरे नैन बाय बाय टेक केयर बेटा थैंक यू poster le guato lo agarran con el